जय हिंद। पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिंदुस्तान की, और उसी के विषय में आपसे बातचीत करनी है। किस डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, लास्ट डेट क्या है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, कब तक इन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा, और फीस आपको एडमिशन की कब तक सबमिट करनी होगी, ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। अधिकांश लोग या पूर्व के लोग इसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते होंगे, मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डेढ़ दो महीने से आप इंतज़ार कर रहे हैं इसके रिजल्ट का, तो अब फाइनली दो दिन पहले रिजल्ट आया है, या कहें कि 24 घंटे पहले रिजल्ट आया है वेबसाइट पर। एक मिनट हो चुका है वीडियो का, अब वीडियो की असली बात। सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आप कैसे और कहां देखेंगे, इसका मैं लिंक और ज़रूरी जानकारी का, सभी जानकारी का लिंक जो मैं बोल रहा हूं आपसे, वो सारी जानकारियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 30 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है। पीएचडी के इंटरव्यू का कौन कौन से डिपार्टमेंट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसके अंदर थिएटर आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स, जूलॉजी, योगा, उर्दू, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलने वाले कोर्सेज हैं दोनों, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, संस्कृत, अडल्ट एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों ही कोर्स पुनः एक ही डिपार्टमेंट में चलते हैं, अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है। फिजिक्स, म्यूजिक, मैथमेटिकल एंड एस्थेटिक्स, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, फॉरेंसिक साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट हैं जिनका रिजल्ट आया है वेबसाइट पर। अगली बात, 1 जून से लेकर 12 जून 2023 के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं, और जब तक आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा एडमिशन लेने के लिए, और जब तक आपको अप्रूवल ना मिले एडमिशन लेने के लिए HOD की तरफ से, जो भी आपका विभाग है, तब तक आप फीस को सबमिट मत करिएगा और ना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 जून से लेकर 12 जून के बीच में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर, अप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, रिसर्च प्रपोजल को लेकर, आपका जो भी रिजल्ट आया है उसकी कॉपी को लेकर फिजिकल मोड पे जाना है यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट भी फिजिकल मोड पे वेरीफाई होंगे और फीस भी फिजिकल मोड पे ही आप जमा करेंगे। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट 1 जून का वीडियो बना, आपने देखा नहीं, देखा वो मैं भी लेट हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप 2 जून को वेरीफाई करवाते हैं डॉक्यूमेंट, 3 को करवाते हैं, 4 को करवाते हैं, जिस दिन आप वेरीफाई करवाते हैं चाहे तो उस दिन भी आप फीस को सबमिट कर सकते हैं, या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की 13 जून 2023, ठीक है। तो 1 जून 2023 से लेकर 12 जून 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और 2 जून से लेकर 13 जून के तक आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। फीस कितनी होगी ये जानकारी मुझको भी नहीं है, वेबसाइट पर कहीं होगी तो कमेंट करके मुझको भी बताइएगा, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और बात कि डॉक्यूमेंट जब आप वेरीफाई करवाएंगे आपको एडमिशन के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा फिजिकल मोड पे, ऑफलाइन जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। उस फॉर्म को भरने के बाद डिपार्टमेंट के HOD विभागाध्यक्ष से वेरीफाई करवाना, साइन करवाना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। बिना उनके वेरीफाई हुए फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा, और अगर सबमिट होता है ऐसा फॉर्म तो वो एडमिशन हो सकता है कैंसिल या रद्द कर दिया जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, टाइम से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, फीस को सबमिट करिए। मिलता हूँ आगे किसी और समय किसी और विश्वविद्यालय के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, उलझन हो, कोई समस्या हो, कमेंट करके पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।